नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज मेरा इधर गांव सोमी में आना हुआ है, चित्तौड़गढ़ ज़िले में। तो यहाँ ये बनास नदी के बीचों बीच हम खड़े हैं। मैंने एक चीज़ यहाँ पर देखी है, ये जो मेरे पीछे घास जो देख रहे हैं आप, ये टाइफा ग्रास है। इसको यहाँ गाँव में जूंझला कहा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने की चाह रखता है, उसके अंदर एक गुण जो कि होना ही होना चाहिए, वो गुण हमें ये घास सिखाती है। कि वो कौन सा गुण है, हमारे इधर गांव में एक कहावत है, ये जो ग्रास देख रहे हैं, पहले मैं इसके बारे में बताऊं आपको। इस घास को टाइफा ग्रास कहते हैं और कैट टेल ग्रास भी कहते हैं इंग्लिश में। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उसके अंदर एक जो एक डेफिनेट क्वालिटी होनी होनी चाहिए, वो हम इस पौधे से सीख सकते हैं, इस ग्रास सीख सकते हैं। वो ये है कि जब कभी भी विपरीत परिस्थितियाँ हो, परिस्थितियाँ अपने फेवर में नहीं हो, तो हमें एक ऐसा गुण अपनाना चाहिए जो ये पौधा हमें सिखाता है, वो है झुकने का गुण। जब कोई भी विपरीत परिस्थिति हो तो इंसान को थोड़ा झुक जाना चाहिए, नम जाना चाहिए, और जब वो परिस्थितियाँ निकल जाती है, विपरीत परिस्थितियाँ, तब वापस एज इट इज़ काम करने लग जाना चाहिए। तो इस पौधे के बारे में मैं आपको बताऊँ, इस पौधे के लिए हमारे इधर जो कहावत फेमस है वो ये है कि नमे जो नारायण ने नमे जो नीच, नमे नदी को झूंझड़ो रे नदी के बीच। इस पौधे को झूंझला कहा जाता है। ये हमें नमना सिखाता है, झुकना सिखाता है। जब कोई भी एडवर्स कंडीशन होती है, जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं जीवन में, कई बार हम ऐसा पाते हैं कि हम अपने जीवन में सक्सेस की तरफ आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कई सारी चुनौतियाँ अपने सामने अपने समक्ष आ जाती है, तो कई लोग क्विट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं अपने काम को। तो ये पौधा हमें ये सिखाता है कि ये नदी के बीच में रहने वाला पौधा है, और जब कभी भी नदी के अंदर पानी का प्रवाह बहुत तेज होता है, बाढ़ की स्थिति होती है, तो ये पौधा अपने आप को झुका लेता है। ये पौधा बिल्कुल नम जाता है, झुक जाता है ना, इसलिए कहते हैं नमे जो नारायण ने नमे जो नीच। नीच का मतलब यह कोई जाति विशेष से नहीं है, नीच का मतलब ऐसे है कर्मों से नीच, है ना, यानी कि जिसके अंदर झुकने का गुण नहीं है विपरीत परिस्थितियों में, उसको इस कहावत में नीच कहा गया है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में नीचे झुकने की भावना जिसके अंदर है, जिसके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना है, वो इस पौधे से सीख सकता है। जैसे भी नदी में प्रवाह आता है, पानी बड़ा तेज प्रवाह आता है, ये पौधा अपने आप को झुका लेता है, नम जाता है, और जैसे ही नदी का प्रवाह वापस कम होता है, नदी शांत होती है, तो ये पौधा अपने आप को फिर खड़ा कर लेता है। तो ये गुण जो है, बड़े बुजुर्गों ने ये कहावत कही है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ इसको, नमे जो नारायण ने नमे जो नीच, नमे नदी को झूंझड़ो रे नदी के बीच। यानी ये झूंझला है, ये नदी के बीच ही रहता है, यानी कि कितनी ही विपरीत परिस्थितियाँ आए, पानी तेज आए, तो ये झुक जाता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होती है, ये वापस अपने आप को खड़ा कर लेता है। तो ये गुण एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में, एक अच्छे स्टूडेंट के अंदर, एक अच्छे बिजनेसमैन के अंदर ये गुण होना चाहिए कि जब परिस्थितियाँ अपने फेवर में नहीं हो तो अपने को झुक लेना चाहिए, अपने को नम जाना चाहिए। और नमने का मतलब आप इस बात से समझिए, नमने का मतलब ये नहीं कि आप गर्दन झुका करके खड़े हो जाइए। नमने का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि झुकने के कितने फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। झुकने का मतलब नमना, एक रेस्पेक्ट की भावना, एक ग्रेटिट्यूड की भावना से है झुकने का मतलब। आप भी अपने क्लासमेट के साथ या अपने सीनियर के साथ आप लोग काम करते हैं, चाहे आप बिजनेस के सेक्टर में हैं, चाहे आप ऑफिस में, अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है ऑफिस में हैं, और आप काफ़ी चीज़ें सीखना चाहते हैं अपने सीनियर से, जो कि काफ़ी चीज़ें जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर जिस व्यक्ति में ये झुकने का गुण है, नमने का गुण है, एक रेस्पेक्ट का, एक ग्रेटिट्यूड का गुण है, मैं समझता हूँ वो व्यक्ति अपने सीनियर से बहुत सी बातें सीख सकता है, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें वो सीख सकता है। अगर आपके अंदर अकड़ है, तो अकड़, आप लोग जानते हैं, इतिहास गवाह है कि अकड़ने वाला व्यक्ति या अकड़ने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है मार्केट में। इसलिए मित्रों, ये बहुत आवश्यक है कि आप झुकने और नमने की भावना अपने अंदर विकसित करिए। अगर आप वास्तव में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप सफल सक्सेसफुल एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एक सफल व्यक्तित्व बनना चाहते हैं अपने जीवन में, तो ये गुण इस पौधे से आज आपको सीख के जाना चाहिए, वो है नमने की भावना। मैं समझता हूँ जब आप किसी सीनियर से बात करते हैं और आपके अंदर वो भावना है कि मैं अपने सीनियर की सारी क्वालिटीज़ को सीखने की कोशिश करूँ, उनके अंदर जितना भी ज्ञान है उसको मैं अपने अंदर जो है उनका बाहर निकाल के अपने अंदर मैं उस ज्ञान को ले लूँ, तो उसके लिए ये भावना बहुत आवश्यक है कि आप नमने की भावना रखिए, रेस्पेक्ट की भावना रखिए, झुकने की थोड़ी एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप कीजिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण गुण है मित्रों। जितने भी जो टॉप पर्सनैलिटी आप लोग देखते होंगे, मोटिवेशनल वीडियो वगैरह आप लोग देखते होंगे,
तो उसमें ये गुण सबसे पहले बताया जाता है कि आप झुकने की भावना अपने अंदर विकसित कीजिए। झुकने का मतलब बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान रखें इस बात से नहीं है कि आप गर्दन झुका लीजिए, आप झुक करके खड़े हो जाइए, बिल्कुल इससे नहीं है। झुकने का मतलब आपको भावनात्मक रूप से एक अटैचमेंट के हिसाब से ग्रेटिट्यूड, मैंने आपको क्या कहा, एक रेस्पेक्ट की भावना है, एक नमने की भावना है कि सर आप प्लीज़ मुझे ये चीज़ सिखा दीजिए। मतलब आपने ये चीज़, आपको बड़ा अनुभव, माना कि आपका कोई सीनियर है तो आप उसे ये चीज़ें पूछ सकते हैं कि सर आप प्लीज़ मुझे ये थोड़ा बता दीजिए, आपने इतना काम किया है तो आप, तो वो डेफिनेटली जो आपका सीनियर है जो वो अपने अनुभव आपके साथ शेयर करेगा और बिल्कुल आपके जो आगे बढ़ने में वो चीज़ें आपको बहुत मदद करेगी। यहाँ थोड़ी मैं प्रिकॉशन बता देता हूँ कि ज़्यादा झुकने के भी अपने नुकसान हैं। ज़्यादा नहीं झुके, आप एक बैलेंस, एक संतुलन बना करके आपको जीवन में चलना है तो ये नमने की जो भावना है ये बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए, ये न ज़्यादा न कम होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि आपके सेल्फ इस्टीम को जो है ठेस पहुँचे। नमने की भावना एक कहावत और मैं आपको लगा मेरे को याद आ रही है कि जो जो लोग ज़्यादा झुकते हैं उनके लिए थोड़ा यहाँ पर सावधानी आपको रखने की आवश्यकता है कि नमने का मतलब झुकने से है ना, नमन नमन में फेर गुणों बहुत नमे नादान, दगाबाज दोनों नमे चीता चोर कमान। यानी कि नमने नमने में बहुत फर्क होता है, झुकने झुकने में बड़ा अंतर होता है ना, तो नमन नमन में फेर गुणों बहुत नमे नादान, जो नादान व्यक्ति होता है वो आवश्यकता से ज़्यादा नमता है। दगाबाज दूणों नमे, अगर कोई धोखेबाज है, दगाबाज है तो वो आवश्यकता से ज़्यादा, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति झुक रहा है, नम रहा है, तो इसका मतलब समझो दाल में कुछ और कुछ काला है। चीता चोर कमान, दगाबाज दूणों नमे चीता चोर कमान, चीता नमता है, झुकता है, यानी कि जब वो झुकता है इसका मतलब उतनी ही स्पीड से वो फिर अपने शिकार की तरफ लपकता है ना, इसलिए कोई ज़्यादा आवश्यकता से आपके सामने नुक्ताचीनी कर रहा है, ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति आपके सामने झुक रहा है, नम रहा है, तो आप उससे सावधान रहे, है ना। मैं जो कह रहा हूँ उस नमने में, उस नमने में बहुत फ़र्क है। चीता चोर कमान, चोर व्यक्ति जो होता है जिसके जहन में, जिसकी नियत में खोट होता है, वो चोर व्यक्ति भी कई बार ज़्यादा झुकता है, वो आपके आसपास मक्खियों की तरह घूमने लगता है, आपकी ज़्यादा चीज़ें जानने की कोशिश करता है, तो उसको, उसे भी आपको सावधानी रखनी चाहिए ना। चीता चोर कमान, कमान का मतलब धनुष है, धनुष जितना जितना ज़्यादा झुकता है उतना ही तेज गति से वो अपने लक्ष्य को भेदता है ना, तो वो चीज़ बिल्कुल आपको ध्यान रखनी चाहिए। मेरा नमने का मतलब उस बात से है कि नमे जो नारायण, ने नमे जो नीच, नमे नदी को जूझ लो रे नदी के बीच। अगर आपको इस नदी में रहना है, इस जीवन रूपी नदी में, इस कंपटीशन के युग में, इस नदी में आपको रहना है तो इस जूझले की भांति आपको रहना पड़ेगा, इस टाइफा ग्रास की भांति आपको रहना पड़ेगा, जो विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को झुका देती है और फेवरेबल कंडीशन होने पर फिर अपने एज इट इज़ वापस खड़ा हो जाता है। तो जीवन में ये बहुत ही बेस्ट ट्रेट है, बहुत बेस्ट ये एट्रीब्यूट है, बहुत ही महत्व ये गुण है जो कि आपके अंदर होना ही होना चाहिए मित्रों। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको, ये मुझे गास दिखी और मुझे एक कहावत याद आई, तो मैंने कहा यार एक बहुत मोटिवेशन टाइप का एक वीडियो आप लोगों के लिए बना देना चाहिए मित्रों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप लोगों को ये पसंद आता है कंटेंट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इस तरह के बहुत सारे वीडियो और बना सकता हूं और आप लोगों के लिए निश्चित रूप से बनाऊंगा। मगर ध्यान आपको ये रखना है कि ये गुण आपके अंदर विकसित हो गया तो मैं समझता हूँ कि आपको शून्य से शिखर तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये गुण ध्यान रखें कि हर किसी के पास ये गुण होता नहीं है और हर कोई व्यक्ति इसको विकसित भी नहीं कर पाता अपने आप में। अगर ये झुकने का, नमने का भाव आपके अंदर विकसित हो गया तो निश्चित रूप से आप कम समय में सफल हो जाओगे और मुझे याद रखोगे कि सर ने एक वीडियो में ये बताया था। तो थैंक यू सो मच, आप लाइक करें मेरे वीडियोज़ को, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।